हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ खारी की रेसिपी। खारी को मैं बेक करके बनाऊंगी, जैसे बेकरी में बनती है बिल्कुल उस स्टाइल में हम खारी बनाएंगे। ये खारी चाय के साथ खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है और इसे बनाना भी बिल्कुल आसान है। कम टाइम में हम घर में बना के इसे रेडी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने सबसे पहले एक बाउल ले लिया है। बाउल में बटर या घी डाल देंगे। अगर आपके पास बटर ना हो तो आप घी का यूज़ कर सकते हैं, और बटर हो तो आप बटर ले लें एक चम्मच। मैरिट किया हुआ नहीं लेना है, इस तरीके का घी या बटर ले लें। उसके बाद एक चम्मच हम मैदा ऐड कर देंगे, मैदे को छान के ले, और इसे आप इस तरीके से मिक्स करेंगे तो ये बिल्कुल क्रीमी फॉर्म में आ जाएगा। हमें इसे इतना मिक्स करना है, इसको बिल्कुल इसकी कंसिस्टेंसी क्रीम के जैसी हो जानी चाहिए। तो देखिए इस तरीके की हो गई है, बट इसे हमें इस तरीके से और मिक्स करना है तो बिल्कुल मुलायम सॉफ्ट क्रीम के जैसा बन जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज हो गया है और ये बिल्कुल क्रीमी फॉर्म में आ गया है। अब हम इसे साइड में रखते हैं। वापस से हम एक बाउल ले लेंगे और 1.5 कप हम मैदा ऐड करेंगे इसमें। मैदे को अच्छे से बिल्कुल छान लें, उसके बाद में मैदे को डालें। तो यहाँ पर मैंने 1.5 कप मैदा ले लिया है। उसके बाद हम इसमें जीरा ऐड करेंगे, तो बिल्कुल छोटे चम्मच से आधा चम्मच जीरा ले लेंगे और आधा चम्मच नमक लेंगे, आधा चम्मच अजवाइन ले लेंगे और आधा चम्मच मीठा वाला सोडा ले लेंगे। उसके बाद बड़े चम्मच से 2 चम्मच हम ऑयल ले लेंगे मॉइन करने के लिए। तो मॉइन करते टाइम ऑयल थोड़ा ज़्यादा लगता है, तो 2 चम्मच बड़े चम्मच से ऑयल लेंगे और इसे अब अच्छे से बिल्कुल मॉइन कर लेंगे। इसे आप जितना मॉइन करेंगे फैन जो है उतना ही क्रिस्पी बनेगा, तो इसे अच्छे से बिल्कुल मॉइन करें। इस तरीके से हाथों से मसलते हुए मॉइन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये अच्छे से बिल्कुल मॉइन हो गया है। जब मुट्ठी बनने लगे इसका मतलब है कि अच्छे से मॉइन हो गया है। उसके बाद 1 चम्मच यहाँ पर मैं नींबू का रस ले रही हूँ, इससे फैन जो है बिल्कुल परतदार बनेगा, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद गुनगुने पानी से हम इसे गूंथ लेंगे। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालें, एक साथ में ज़्यादा पानी ना डालें, और इसे गूंथेंगे। इसका जो डो है बहुत ज़्यादा हार्ड या बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं बनाना है, जैसे पूरी का डो बनाते हैं हम बिल्कुल वैसा ही डो रेडी करना है। तो अच्छे से बिल्कुल मसलते हुए इसका एक डो रेडी करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक डो बना के रेडी कर लिया है। डो जो है रेडी हो गया है, तो अब हम इसे छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर लेंगे। नींबू के साइज़ जितना होता है उतना ही हम इसे छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर लें। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसे डिवाइड कर लिया है। अब हम इसकी लोई बना लेंगे। तो अच्छे से नरम हाथों से हम लोई बनाएंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक चकला ले लिया है, और चकले पर हम थोड़ा सा सूखा हुआ मैदा डाल देंगे ताकि डो जो है वो चिपके ना। और अब हम लोई लेंगे और लोई को बेलेंगे रोटी के साइज़ जितना हम बेल लेंगे, और इसे बहुत पतला बेलना है। जितना पतला आप बेल सकते हैं उतना पतला इसे बेल लें। अगर आपका डो बहुत ज़्यादा नरम हो गया है तो आप सूखा मैदा लगा के इसे अच्छे से बेल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक रोटी जो है वो बन के रेडी हो गई है। अब हम इसे साइड में रखते हैं और दूसरी रोटी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सूखा मैदा डालेंगे और इसे अब हम बेल लेंगे। आप इसे जितना पतला बेलेंगे खारी जो है उतनी ही टेस्टी बनेगी और उतनी ही परतदार भी रहेगी और क्रिस्पी भी बनेगी। तो ये लीजिए दूसरा रोटी जो है वो भी बन के रेडी हो गया है। इसी तरीके से हम 5 रोटी बना लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 5 रोटी बना के रेडी कर लिया है। उसके बाद में अब ये जो हमने क्रीम बनाया था उसे हम इस तरीके से फैलाएंगे रोटी के ऊपर, अच्छे से बिल्कुल फैलाए चारों तरफ से, बिल्कुल भी कहीं छूट ना पाए। और ऊपर से हम फिर से रोटी रखेंगे इसके ऊपर। तो इस तरीके से हम रोटी रख देंगे और इसके ऊपर भी हम ये क्रीम जो है इसे लगाएंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे देखिए मैंने बिल्कुल अच्छे तरीके से इसमें भी क्रीम लगा लिया है और रोटी रखेंगे उसके ऊपर। 5 रोटी का लेयर बना लेंगे।
तो यहाँ पे देखिए, अब इसे इस तरीके से हमें मोड़ लेना है, इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और ऊपर से भी हम इसमें क्रीम लगा देंगे ताकि ये इजीली चिपक जाए और इसी तरीके से निकल ना पाए। तो यहाँ पे देखिए, मैंने इसे बिल्कुल अच्छे से कोट कर लिया है और अब इसे इस साइड से भी हमें इस तरीके से मोड़ना है, फोल्ड करना है। ये आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से फोल्ड कर रही हूँ, आपको भी बिल्कुल इस तरीके से फोल्ड करना है। दूसरी साइड से भी इस तरीके से हम इसे फोल्ड करेंगे और अब इसे क्रीम से बिल्कुल कोट कर देंगे। तो यहाँ पे अच्छे से बिल्कुल क्रीम लगाए ताकि ये अच्छे से बिल्कुल कोट हो जाए। तो यहाँ पे देखिए, ये जो है बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे प्लेट में रख के ढक देंगे और 15 से 20 मिनट तक हम इसे फ्रीज़र में रखेंगे। उसके बाद गैस ऑन करके हम एक पतीला, कुकर या कढ़ाई, आप कुछ भी रख सकते हैं जिसमें आपको बेक करना है। तो मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई ले लिया है और ऊपर से हम स्टैंड लगा देंगे। अगर आपके पास स्टैंड ना हो तो कोई भी आप घर का प्लेट लगा दें और इस तरीके से ढक देंगे। 15 से 20 मिनट तक हम इसे प्रीहीट गर्म होने देंगे। 20 मिनट हो चुके हैं और मैंने डो को फ्रिज से निकाल लिया है। अब हमें इसे बेलना है, तो सूखा मैदा लगा लें आप और उसके बाद में इसे बेलें। बिल्कुल हल्के हाथों से इसे बेलना है, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है इसके ऊपर। तो अच्छे से बिल्कुल हाथ से फैलाएं और अब हम इसे बेल लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं बिल्कुल हल्के हाथों से बेल रही हूँ। जिस शेप में इसे हमने बनाया है बिल्कुल हमें उसी शेप में इसे बेल भी लेना है और हल्के हाथों से बेलना है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने इसे बेल कर रेडी कर लिया है और इसे बहुत ज़्यादा मोटा या बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसे कितना मोटा रखा है। और अब नाइफ की हेल्प से चारों तरफ से हम इसे पतला पतला कट करके निकाल लेंगे ताकि इसका जो शेप है बिल्कुल अच्छा आ जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना अच्छा शेप इसका आ गया है। और अब आप अपने हिसाब से इसे कट कर लें, जिस हिसाब से आपको बेक करना है, मोटा पतला छोटा। तो मैं इसे इस तरीके से कट कर लूँगी और मैं इसे बीच से भी कट कर लूँगी, इसे दो भाग में डिवाइड कर लूँगी। तो ये देखिए आप, बहुत ही अच्छा फैन बन के रेडी है बेक होने के लिए। और मैंने इसे कट कर लिया है। अब हम एक प्लेट ले लेंगे जिसमें हमें खारे को बेक करना है। प्लेट को ऑयल, बटर या घी से ग्रीस कर लें। तो मैं यहाँ पे एक चम्मच ऑयल से इसे ग्रीस कर लूँगी। अच्छे से बिल्कुल फैला लेंगे और प्लेट को अच्छे से ग्रीस करेंगे। उसके बाद हम खारे को इस तरीके से पीस सेंटर पे चारों तरफ हम लगा देंगे ताकि ये अच्छे से बिल्कुल बेक हो पाए। तो ये लीजिए, प्लेट भी रेडी हो गया है और यहाँ पे हमारी जो कढ़ाई है ये भी बिल्कुल प्रीहीट गर्म हो गई है। तो अब प्लेट को हम इसके अंदर डाल देंगे। बिल्कुल सावधानी से डालें क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है। उसके बाद अब हम इसे ढक कर 15 से 20 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाएंगे। 20 मिनट बाद हम चेक करते हैं खारी अच्छे से बेक हुई है या नहीं। तो एक साइड से आप देख सकते हैं खारी जो है अच्छे से बेक हो गई है। तो इस तरीके से हमें इसे पलट लेना है ताकि दूसरे साइड से भी ये अच्छे से बिल्कुल बेक हो जाए। अब हम इसे ढक के और 10 मिनट बेक कर लेंगे मीडियम फ्लेम पे। तो यहाँ पे ये देखिए, खारी जो है बन के बिल्कुल रेडी हो गई है। बहुत ही टेस्टी और यम्मी खारी बनी है। अब हम इसे एक प्लेट में सर्व कर लेंगे। अब आप इसे चाय के साथ, टी टाइम में, सुबह शाम, नाश्ते में जब भी खा सकते हैं। ये बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, बहुत कम टाइम में बनके रेडी भी हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए। अब मैं आपसे मिलूंगी मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।